एक बार फिर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम हर रोज़ फ्यूचर मेकर से रिलेटेड सभी जितनी भी अपडेट्स आती है वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों, आज वह एक खुशी की खबर है, सबसे बड़ी बात है जो एक न्यूज़पेपर है फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ, उस फ्यूचर मेकर कंपनी के साथ जो न्यूज़पेपर है उसने एक बड़ी खबर दी है, तो हम आज उस खबर के बारे पर बात करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा उस पर जय फ्यूचर मेकर लिखना ना भूले, कमेंट बॉक्स में अंदर जय राधेश्याम लिखना भी ना भूले। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जो न्यूज़ आई है उसके बारे। देखो दोस्तों, लोकहित खबर न्यूज़पेपर है ये, रविवार भोपाल का है, 7 अक्टूबर 2018 का। उसमें बताया गया फ्यूचर मेकर के CMD को राहत, डिस्ट्रीब्यूटर में खुशी का माहौल, दो लीडरों पर कार्रवाई दोस्तों को कर किया विरोध। दो लीडरों पर जो कार्रवाई हुई थी जो अभी थोड़े दिन पहले, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हुई थी उसका विरोध किया गया और डिस्ट्रीब्यूटर में खुशी का माहौल शुरू हो चुका है। ये दोस्तों पूरी हेडिंग, अब पढ़ते हैं पूरी न्यूज की बात। दोस्तों, अब पूरी न्यूज में क्या बताया गया, जगदीश जोशी प्रचंड इंदौर फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के CMD राधेश्याम को तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद न्यायालय से राहत मिली, यह सबसे बड़ी खबर है। दोस्तों, शनिवार को उन्होंने एक मामले में जमानत मिलने से देश भर में 60 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटरों में हर्ष का माहौल है। यह पहला मामला है जब किसी कंपनी के CMD को की गिरफ्तारी हुई और लाखों लोगों ने धैर्य बनाए रखा। दोस्तों, ये आपके जो धैर्य है उसकी प्रशंसा की है कि जो सभी डिस्ट्रीब्यूटर ने धैर्य बनाए रखा और इतना लंबा प्रकरण चला और अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर ने ये दिखाया गया है कि CMD श्री राधेश्याम जी को जमानत मिल चुकी है, 60 लाख से अधिक डिस्ट्रीब्यूटरों में हर्ष का माहौल। अब जो पूरी न्यूज है उसको आगे फिर से पढ़ते हैं क्या दिया गया है पूरी न्यूज में। दोस्तों, उसमें दिया गया है कि उल्लेखनीय है कि फ्यूचर मेकर के CMD राधेश्याम को 7 सितंबर को तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कंपनी के तमाम ऑफिस सील कर दिए गए थे। शिकायतकर्ता जावेद की FIR पर की गई कार्रवाई ने कंपनी की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील श्री विष्णुवर्धन रेड्डी ने पक्ष रखा और माननीय न्यायालय को अवगत कराया कि कंपनी प्रोडक्ट बेस होकर डायरेक्ट सेलिंग के नियमों का पालन करने की पक्षधार है। उसके द्वारा किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का कोई पैसा इन्वेस्टमेंट बाबत नहीं लिया जाता। कंपनी द्वारा बेहतर उत्पाद की को ही सेल किया जा रहा है और उस पर मिलने वाला लाभांश डिस्ट्रीब्यूटरों में वितरित किया जाता है। श्री रेड्डी ने माननीय न्यायालय के समक्ष कंपनी की ओर से यह पक्ष भी रखा कि कंपनी के CMD को हरियाणा सरकार द्वारा विशिष्ट उद्योग पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था और CMD राधेश्याम द्वारा देश भर में मदर रसोई, ब्लड डोनेट कैंप व अन्य सामाजिक गतिविधियां भी संचालित की जा रही है। वह देश भर में उनके द्वारा आर्थिक मजबूती और भारत निर्माण में प्रबल हिस्सेदारी दिखाती रही है। एक सामान्य परिवार में जन्म लेकर आरसीएम व अन्य कंपनियों में नौकरी करने वाले राधेश्याम ने फ्यूचर मेकर के माध्यम से लाखों लोगों को आर्थिक समृद्धि दी है। जहर मुक्त खेती को लेकर उनके प्रयास सराहनीय है। ऐसे में सिर्फ एक शिकायत पर लाखों डिस्ट्रीब्यूटरों के माध्यम से कार्य करने वाली कंपनी फ्यूचर मेकर को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना न्याय संगत नहीं है। कंपनी की मीटिंग कर लोगों को राधेश्याम के प्रति लोगों के लिए की श्रद्धा का ही परिणाम है। उन्होंने एक माह होने के बाद भी देश भर में अन्य डिस्ट्रीब्यूटर ने किसी प्रकार की शिकायत करोड़ों का शिकायत नहीं पहुंचाया। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी खबर है कंपनी के लिए और राधेश्याम जी के लिए। जो न्यूज़पेपर लोग MD के काफी इतनी भी न्यूज देता है वो कंपनी और राधेश्याम जी के साथ देता है, क्योंकि उस न्यूज लाइफ ने समझ लिया है फ्यूचर मेकर को कि फ्यूचर मेकर ने कोई गलत कार्य नहीं किया। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो पे कमेंट करना ना भूलिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय फ्यूचर मेकर, जय राधेश्याम, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।